कुक एट होम में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं मसाला डोसा। तो इसके लिए मैंने जो बैटर लिया है ये बाज़ार से लिया हुआ है, 1 kg है। इसको हम बनाने से पहले 1 घंटा पहले मैंने बाहर निकाल दिया था, पहले फ्रिज में रखा हुआ था। और इसमें 1/2 स्पून जो है नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। अभी इसे रेस्ट पर रहने दीजिए और तब तक हम चलते हैं बनाते हैं इसका मसाला। डोसा फिलिंग बनाने के लिए हम आलू का मसाला बना रहे हैं। इसके लिए हमने थोड़ा सा तेल लिया है। आधा चम्मच सरसों के दाने, अब सरसों के दाने जब थोड़ा सा क्रैक करने लग जाए तब हमने डाला है सूखा करी पत्ता 8-10 पत्ते। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मूंगफली, जिसे हम रोस्ट कर लेंगे, इसी में भून लेंगे। जब मूंगफली भून जाए तो हमने डाला है 2 मीडियम साइज प्याज, 1/2 kg होने तक भूनेंगे। अब देखिए प्याज थोड़े से भून गए हैं, तो अब इसमें हमने 2 छोटे टमाटर काट कर डाले हैं। दो चम्मच मैंने ये भुने हुए चने हैं ये डाल रही हूँ, और 10 आलू मैंने मैश कर लिए हैं। तो इतने आलू के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएं तो ये मैश किए हुए आलू हम इसमें मिक्स कर देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। इसे अच्छी तरह हिलाएंगे और मिक्स करेंगे। इसे 1 मिनट ढककर पका लें। अब ये फिलिंग तैयार हो चुकी है डोसा के लिए। इसे हमने बिना पानी डाले ही मिक्स किया है। इसे आपको चलाना भी है और देखना है, ये जब आप तुड़का लगाएंगे उसके बाद 1 मिनट ढककर इसे पका लें या 2 मिनट रख लें। थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया कटा हुआ डाल दिया है। यहाँ पर आप चेक कर लें कि नमक ठीक है या नहीं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो थोड़ा सा और डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये आलू फिलिंग तैयार हो गई। ये जो बैटर हम बाज़ार से लाए थे उसको अब रेस्ट के बाद, हमने 1/2 घंटा रेस्ट के बाद ये दोबारा आप इसे मिक्स कर लें। इसमें नमक डाला था हमने 1/2 चम्मच और फिर इसको 1/2 घंटा रेस्ट पे रखा था। अब हम इसके डोसे बनाएंगे। तवा लिया है नॉनस्टिक, इसको प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करके फिर इसमें थोड़े पानी के छींटे मार। अब देखिए बुलबुले निकल रहे हैं, इट मीन्स कि तवा गर्म हो चुका है। इसमें से हल्का सा 1 बूंद तेल लगाकर इसे आप थोड़ा सा ऑयली कर लें। 1 कड़छी बैटर डालकर
से डोसे को गोल गोल घुमाकर बनाएं। अब ये देखिए, ये डोसा जो है सिक चुका है, कितना जालीदार बना हुआ है। इसको हम मैंने एक करछी बैटर से ही बना रही हूँ मैं, और इसमें जो है आप जितनी चाहे फिलिंग करिए। और ये देखिए, ये जो है एकदम निकल चुका है तवे से। अब इसको आप ऐसे फोल्ड करिए और सर्व करिए। थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डालकर हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अब इसे साफ कर लीजिए और डोसे का बैटर तवे पर डालिए और थोड़ी फ्लेम हाई कर दीजिए। अब इसे सिकने दीजिए। अब ये देखिए, ये सिक रहा है और इसमें जाली दिखाई दे रही है। अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो ये ऐसे भी बन जाएगा। और इसको तब तक सेकें जब तक कि ये किनारों से आपको सिका हुआ दिखाई ना दे। जब ये दिखने लग जाए कि ये सिक गया है, तब इसे देखिए कि ये तवे से निकल रहा है या नहीं। अगर ये तवे से निकल रहा है तो ये पक चुका है। अब इसे थोड़ा और सेक लें और जितनी फिलिंग आपको चाहिए उतनी फिलिंग डालकर इसे सर्व करें। ये देखिए, सिक चुका है ये। अगर और आप सेकना चाहते हैं तो और सेक सकते हैं और इसे ऐसे रोल करके आप सर्व करें सांभर चटनी के साथ।